Hello students, in standard 11th, in subject of accountancy, part 2, chapter 5, final accounts. In this lecture, we learn hidden adjustment in final accounts. Jo 11th standard ka final account ka chapter hai, usme hum ek hi aadmi ke dwara chalaya gaya jo business hai, उसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी एक ही बंदा है और वो कैपिटल भी अपना तरीके से लाता है, मैनेजमेंट भी अपना तरीके से करता है और अपना जो बिजनेस है वो अकेले अपने दम पर चलाता है। तो ये जो एक आदमी का बिजनेस का लास्ट का 31 मार्च का जो फाइनल अकाउंट्स होता है, उस फाइनल अकाउंट्स में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। और ये तीनों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों में सबसे अहम कोई चीज़ है तो वो है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट में जो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं उसका इफ़ेक्ट किस तरह से दिया जाता है, किस तरह के हिडन एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में आते हैं, उसका डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो 11th स्टैंडर्ड का जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 159 पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, ट्रायल बैलेंस है आरके ट्रेडर्स का एज ऑन 31st मार्च 2015, और उसमें अलग अलग तरह के पांच हिडन एडजस्टमेंट है। वो पांचों हिडन एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। ये पांचों हिडन एडजस्टमेंट में किस तरह का चेंज हो सकता है और वो चेंज अगर हो तो उसका इफ़ेक्ट, उसका असर किस तरह से अकाउंट में आएगा, उसके बारे में भी हम बहुत डेप्थ से डिस्कशन इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए पेज नंबर 159 पे ट्रायल बैलेंस है आरके ट्रेडर्स का एज ऑन 31st मार्च 2015। अच्छा, हिडन एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट्स में इफ़ेक्ट डालने के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों तैयार करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट भी कभी कभी प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इन दोनों में हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर और अमाउंट रुपीज। बहुत अच्छा ये इलस्ट्रेशन है बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज और अमाउंट रुपीज, एसेट और अमाउंट रुपीस। ठीक है, तो अलग अलग तरह के हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है सैलरी। ये जो ट्रायल बैलेंस है वो 31st मार्च 2015 का है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1st अप्रैल 2014 से लेके 31st मार्च 2015 का है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, पूरा 12 मंथ, बराबर 1st अप्रैल 2014 से लेके 31st मार्च 2015, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है वो एज ऑन 31st मार्च 2015 का है,
तो 31 मार्च 2015 का जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर उससे 12 महीना पहले यानी कि 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक जो भी कोई अकाउंट में एंट्री हुआ है उसका ये ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं। तो सैलरी है 1,21,000, सैलरी दिया हुआ है 1,21,000 डेबिट साइड पे। तो ये जो सैलरी दिया हुआ है ये पेड सैलरी है, हमने 1,21,000 का सैलरी पेड कर दिया है और ब्रैकेट में लिखा है अप टू डेट 28 फरवरी 2015, यानी कि फरवरी का एंड 28 फरवरी तक का जो सैलरी है 1,21,000 वो पेड हो चुका है। तो ये सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 1,21,000, ओके। और इसमें जो ब्रैकेट में है अप टू 28 फरवरी 2015, तो फरवरी तक का सैलरी पेड हो चुका है, हमें 31 मार्च 2015 तक का हिसाब कंप्लीट करना है। तो 28 फरवरी तक का सैलरी पेड हो चुका है, मार्च महीना एक जो बचा है उसका सैलरी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसे बोलते हैं। तो एक महीना का सैलरी अभी पेड करना बाकी है, तो उसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो 1,21,000 सैलरी पेड हो चुका है वो 11 मंथ का है। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि 11 मंथ का जो सैलरी है, सैलरी ऑफ 11 मंथ इज 1,21,000, सो हाउ मच सैलरी इन 1 मंथ, बराबर। तो 11 मंथ का सैलरी 1,21,000 है, तो 1 मंथ का सैलरी कितना होगा? तो 1 × 1,21,000 डिवाइडेड बाय 11, तो उसका आंसर आएगा 11,000। ये अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक महीना का बोलते हैं। वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें ये जो प्रॉफिट एंड लॉस साइड में डेबिट साइड पे जो सैलरी दिया हुआ है उसमें प्लस करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,000, तो टोटल सैलरी हो गया 1,32,000। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,000, ओके। अब यहाँ पर तो ये सैलरी 1,21,000 का है, उसके ब्रैकेट में ये लिखा है अप टू 28 फरवरी 2015, यानी कि फरवरी का एंड तक का सैलरी पेड हो चुका है, मार्च एक महीना का सैलरी पेड होना बाकी है, 11 मंथ का हो चुका है क्योंकि पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ का रहता है, उसमें 11 मंथ का सैलरी पेड हो चुका है। तो 11 मंथ द अमाउंट ऑफ सैलरी इज 1,21,000, सो हाउ मेनी सैलरी ऑफ 1 मंथ, 1 × 1,21,000 डिवाइडेड बाय 11, सो 11,000 इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जो सैलरी है उसमें प्लस करना है। और ये हमारा लायबिलिटीज है, सो यू कैन राइट बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,000। पर अगर इसमें ये लिखा होता कि अप टू 31 जनवरी 2015, कि ये जनवरी तक का ही सैलरी है, तो 2 महीने का सैलरी अनपेड होता, तो 10 महीने का सैलरी हो चुका है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो इस तरह बनता कि सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज 1,21,000, सो हाउ मेनी सैलरी ऑफ 2 मंथ्स, सो 2 × 1,21,000 डिवाइडेड बाई 10, तो उसका आंसर अलग आता, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है अप टू 28 फरवरी की जगह अप टू 31 जनवरी दे दिया गया, तो यानी कि फरवरी या मार्च 2 मंथ का सैलरी अभी पेड होना बाकी है, तो 2 महीने का सैलरी अनपेड है, दैट मीन्स 10 मंथ्स का सैलरी हमने पेड कर दिया है।
तो ये जो फॉर्मूला है ये मंथ 11th की जगह यहाँ पर 10 हो जाता और 1 की जगह पर 2 हो जाता। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 121,000 डिवाइडेड बाई 10 तो वो आता 24,200। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करिएगा, 24,200 आएगा अगर 2 महीने का बाकी है तो। ओके, पर अभी तो ये 1 महीने का बाकी है तो इस तरह से हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम। हम जो इंश्योरेंस लेते हैं उसका हमने प्रीमियम पेड किया है 20,000 का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है। एज ए एक्सपेंस वी कैन राइट इंश्योरेंस प्रीमियम इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000 का। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसे लिख दिया है। इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है एडजस्टमेंट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹6,000 अप टू डेट 13th September 2015। तो सबसे पहले यू कैन सी दैट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31st March 2015 को ख़त्म हो जाता है, और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 20,000 पेड किया है, इन दिस 6,000 आउट ऑफ 20,000 6,000 का जो प्रीमियम है उसका जो ख़त्म होने का तारीख है, ये जो 6,000 का प्रीमियम हमने एक साल का पेड किया है आउट ऑफ 20,000, उसमें से 6,000 का जो सैलरी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पेड किया है वो 13th सितंबर 2015 को ये 6,000 का प्रीमियम जो है उसका साल ख़त्म होता है। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जब हम इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम हम क्वार्टरली भी पेड करते हैं, 6 मंथ में भी पेड करते हैं और ईयरली भी पेड करते हैं। तो ये जो ईयरली 6,000 का हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया आउट ऑफ 20,000, वो 6,000 का जो एक साल का प्रीमियम है उसका डेट 13th September 2015 है, यानी कि ये 6,000 का प्रीमियम 12 महीने तक अगर इसका जाए खर्चा, 13th September 2015 को ये 6,000 का प्रीमियम का एक साल पूरा होगा। हमें तो जाना है 31st March 2015 तक, 6,000 का हमने प्रीमियम पेड किया, लेकिन वो प्रीमियम हमने पेड किया उसका एंड, ये जो ईयरली प्रीमियम है वो ईयरली प्रीमियम 13th सितंबर 2015 को ख़त्म होता है, यानी कि 31st मार्च 2015 को हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6,000 का प्रीमियम हमने पेड किया है उसका 6 महीना अभी बाकी है। ये जो प्रीमियम हमने पेड कर दिया 31st मार्च 2015 को, लेकिन 31st मार्च 2015 को जो हमने प्रीमियम पेड किया 6,000 का, उसका साल ख़त्म होगा 13th सितंबर 2015 को, यानी कि ये 6,000 का जो एक्सपेंस है वो यहाँ तक का नहीं है, यहाँ तक का है। तो 6 महीने, 6 मंथ, देखिए 31st मार्च 2015 से आप आगे जाइए तो 4th अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने तक का जो एक्सपेंस है वो हमने प्रीपेड पेड कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस जिसे बोलते हैं, हमने पहले से वो खर्चा पेड कर दिया है, जबकि ये एक्सपेंस 13th सितंबर 2015 तक का है। ठीक है, समझ में आया बात आप लोगों को कि ये जो 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है आउट ऑफ दिस 6,000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक्सपेंस 31st मार्च 2015 तक का नहीं है, वो एक्सपेंस है 13th सितंबर 2015 का जो हमने पेड कर दिया है 31st मार्च 2015 को।
तो छः महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। यहाँ पर अनपेड था, बराबर एक महीने का बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, हमें हमारा वो लायबिलिटीज था। यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है 6000 का टोटल एक्सपेंस, वो 6000 में से छः महीने का जो एक्सपेंस है वो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं उसे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर से कट करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा, ये पूरे साल का है 6000, और जो एक्सपेंस है वो 6 महीना आगे हमने पेड कर दिया है 6 महीने का पहले से, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई टोटल मंथ्स 12, सो 3000 प्रीपेड इंश्योरेंस कट करेंगे तो 17000 इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस होगा। ये 3000 जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3000, ओके। नेक्स्ट है 12% बैंक लोन 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 10000। बैंक से जो हमने लोन लिया है 12% का, उसका इंटरेस्ट है, तो 12% बैंक लोन 1 लाख रुपीज ये क्रेडिट साइड पर है ट्रायल बैलेंस में, तो उसे हम, ये लोन है, ये हमारा लायबिलिटीज है, हमें बैंक को पेड करना है ये लोन, तो 12% बैंक लोन 1 लाख रुपीज इन आउटर कॉलम। तो 1 लाख रुपीज का बैंक लोन, उसका 12% अगर हम इंटरेस्ट निकाले तो इन द ईयर 12000 प्रीमियम यू विल पे टू बैंक, ओके। तो 12000 का इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना है, पर हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का जो है वो 10000 का पेड किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10000, ठीक है। ये दो आइटम है जो हमने ट्रायल बैलेंस से यहाँ पर लिखा। सबसे पहले ये 1 लाख का बैंक लोन है 12% का, तो 1 लाख इंटू 12%, तो 12000 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट होता है, पर यहाँ पर इंटरेस्ट 10000 का ही है, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि 2000 का इंटरेस्ट पेड करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट, तो यहां पर प्लस करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2000 इन आउटर कॉलम 12000, और ये जो 2000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2000। तो ऐसे हिडन एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में बहुत आपको काम आएंगे। ये जो है ये एडजस्टमेंट जो है वो वेरियस टाइप से आपको एग्ज़ाम में उसका जो आस्किंग मोड होता है वो वेरियस टाइप का होता है। यहाँ पर जो आस्किंग मोड है उसके अलावा मैं आपको और दो आस्किंग मोड, ये जो एडजस्टमेंट है लीज होल्ड बिल्डिंग का, उसके बारे में जिक्र करूँगा। तो ये लीज होल्ड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ और लीज एक्सपायर ऑन डेट 31 मार्च 2019, ये लीज होल्ड बिल्डिंग है। हमने जो हमारा जो बिजनेस है वो जिस बिल्डिंग में चलता है, हमारा जो फैक्ट्री है, हमारा जो ऑफिस है, उसका जो बिल्डिंग है वो हमने लीज पे लिया हुआ है, और ये लीज यानी कि हमने वो हमारा जो बिल्डिंग है उसका ऑनरशिप हमारा नहीं है, वो हम यूज़ कर सकते हैं वो बिल्डिंग को फ्रॉम फैक्ट्री के तरीके से,
या ऑफिस के तरीके से, कोई भी तरीके से हम ये लीज होल्ड बिल्डिंग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका ओनरशिप हमारा नहीं है, वो लीज़ पे लिया हुआ है। और जो लीज़ पे ये जो बिल्डिंग लिया हुआ है उसका वैल्यू है 5 लाख रुपीज़। तो हमारा एसेट बन गया लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल बिल्डिंग 5 लाख रुपीज। तो ये जो लीज है वो एक्सपायर होने हो रही है 31 मार्च 2019 को। ये 31 मार्च 2015 को हम बोल रहे हैं कि लीज होल्ड बिल्डिंग जो 5 लाख रुपीज का है उसका एक्सपायर, उसका जो तारीख है लीज होल्ड बिल्डिंग का, ये लीज कब खत्म हो रही है, तो 31 मार्च 2019 को ये जो बिल्डिंग का लीज है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंट रूल्स जो भी लीज होल्ड एसेट्स होते हैं वो हम, हमारा जितना साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए एज पर द रूल्स। तो 31 मार्च 2015 को अगर हम इंक्लूड कर दें तो 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, तो ये लीज होल्ड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज का जो है वो हम 5 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 5 लाख का जो ये बिल्डिंग हम 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं, तो एवरी एंडिंग ईयर पे 1 लाख रुपीज हमें रिटर्न ऑफ करना है ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक 5 साल के बाद ये लीज होल्ड एसेट जो है उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये एक्सपायर्स हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2014 यानी 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2015, तो इस साल को हम अगर इंक्लूड कर ले, इंक्लूड करना ही है क्योंकि इस साल से ही हम ये 5 लाख रुपए का बिल्डिंग लीज पे लिया है इस साल से, तो ये साल जो है वो काउंट करना है। तो 2015, 16, 17, 18 और 31 मार्च 2019 को ये लीज होल्ड बिल्डिंग का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद। तो आफ्टर 5 ईयर्स एज पर द अकाउंटिंग रूल्स द वैल्यू ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग मस्ट बी ज़ीरो। सो एवरी ईयर वी रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज। 5 लाख का बिल्डिंग है, 5 साल है हमारे पास, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, सो 1 लाख रुपीज हमें रिटर्न ऑफ करना है यहाँ से, रिटर्न ऑफ 1 लाख। सो इन आउटर कॉलम 4 लाख, और ये 1 लाख का जो बिल्डिंग रिटर्न ऑफ हुआ वो हमें लिखना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 1 लाख। ओके, अब इसमें कई तरह के वेरिएंस आते हैं। यहाँ पर ऐसा है ये जो लीज होल्ड बिल्डिंग है उसमें कि 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म होने जा रहा है। अगर इसमें ऐसा कहे कि ये जो लीज होल्ड बिल्डिंग है वो हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2014 को लिया है, 5 साल तक का है ये, समझिएगा, इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है वो ये लिखा है कि लीज एक्सपायर ऑन डेट 31 मार्च 2019। उसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि ये जो लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2014 से। ये लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो 5 लाख रुपए का है वो 1 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए 1 अक्टूबर 2014 से ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इस साल ये लीज होल्ड बिल्डिंग हमने 6 महीने तक इसका यूज़ किया है। 1 अक्टूबर 2014 से अगर हम काउंट करें तो 10वां महीना, 11th, 12th, 2014 का साल ख़त्म 2015 में,
31st मार्च तक जाना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये लीज होल्ड बिल्डिंग है वो हमने 6 महीना यूज़ किया है। तो 1st अक्टूबर 2014 को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 5 ईयर्स का। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, तो एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ हमें रिटर्न ऑफ करना है। बट इन दिस ईयर वी यूज़ लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 6 मंथ्स, तो इस साल हमें 15,000 रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। आई बात समझ में? 1st अक्टूबर 2014 से लेके 31st मार्च 2015 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, वहाँ तक अगर हम ये 2 तारीख के बीच का ड्यूरेशन निकालें तो ये 6 महीने का ड्यूरेशन है। तो 6 महीने तक हमने लीज होल्ड बिल्डिंग का यूज़ किया है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, एवरी ईयर यू कैन रिटर्न ऑफ 1 लाख, बट इन दिस ईयर वी यूज लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 6 मंथ्स। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 50,000 हमें रिटर्न ऑफ करना है। कई और तरीके भी है लीज होल्ड बिल्डिंग का, ये जो एडजस्टमेंट है उसको लगाने के लिए 12th स्टैंडर्ड में जब वो आएगा। तो एक और तरीका भी है कि ये फाइनेंशियल ईयर है उससे आगे का तारीख दिया हुआ है और फिर उसे हमें एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना है, तो वो जब आएगा तभी वो भी बताऊंगा। ओके, अभी ये लास्ट एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ ABC कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डिबेंचर में। डिबेंचर इज़ ए वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी। कोई ABC कंपनी का डिबेंचर इश्यू हुआ होगा तो वो हमने लिया है और उसमें इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपये का, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा एसेट बन जाता है। 12% का डिबेंचर यहाँ पर लिखे गए, 12% का डिबेंचर ABC कंपनी का है, 2 लाख, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट और 12% रिटर्न अगर हम काउंट करें तो हमारा इंटरेस्ट डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ABC कंपनी का हमने डिबेंचर लेके ABC कंपनी में इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपये का, तो 12% के मुताबिक हमें 24,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमें इंटरेस्ट मिला है 12,000 का। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, तो ये जो 12,000 का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट 12,000 का रिसीव हुआ है, पर होना चाहिए 24,000। ये 12 लाख, 2 लाख रुपीज़ का ABC लिमिटेड का जो डिबेंचर है वो 12% हमें रिटर्न देता है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 12%, तो 24,000 इंटरेस्ट होना चाहिए, पर ये इंटरेस्ट हुआ है 12,000, यानी कि 12,000 अभी रिसीवेबल है। अगर एक्सपेंस को पेड करना बाकी है तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, पर अगर ये इनकम को रिसीव होना बाकी है तो उसे बोलते हैं रिसीवेबल। 12,000 आउटर कॉलम, 24,000, और 12,000 का जो रिसीवेबल इंटरेस्ट है वो हम एसेट साइड लिखेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी लर्न हिडन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी जो ये फाइनल अकाउंट का हमने हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व किया, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट का जो हमारा जो जर्नी है उसे और आगे बढ़ाएंगे और एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। थैंक यू।